वाह नमस्कार। वाह 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 सभी नमस्कार। श्रोताओं को नमस्कार। हाँ आज इस समय में हमारे साथ श्री मुकुंद मराठे जी जुड़े हुए हैं। वो श्री नमस्कार। राम मराठे जी के बेटे और वो भास्कर बुआ बकाले और जो मास्टर कृष्णा राव जी के ट्रेडिशन में काफी उनका काम है, रुचि है। और साथ में हमारे साथ विक्रांत अजगांवकर जी है, वो भी बाल गंधर्व जी और मास्टर कृष्ण राव जी का काफी फॉलो करते हैं, खुद म्यूजिशियंस है दोनों भी, और रंगमंच की और भी काफी रुझान है दोनों का। और हमें बड़ी खुशी है कि आज वो आए हैं, एक काफी मास्टर कृष्णा राव जी के बारे में कुछ जानकारी और बातचीत करने के लिए, शेयर करने के लिए काफी, जो कि इस समय बहुत जरूरी है कि हमें इन कई, वी वुड लाइक टू यू नो रिमेम्बर ऑल दीज जायंट्स यू नो हु हैव मेड सच अ लार्ज कॉन्ट्रीब्यूशन यू नो, एंड मास्टर कृष्णा राव इज वन ऑफ देम। सच अ बिग कॉन्ट्रीब्यूशन ही हैज मेड इन द फील्ड ऑफ नॉट ओनली हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, थिएटर, फिल्म्स, मतलब इतना वास्ट कैनवास है उनका कि रंगमंच है, शास्त्रीय संगीत है और इवन मतलब हिंदी फिल्म है। तो अब हम आपका स्वागत करते हैं और नमस्ते मुकुंद जी, मैं चाहूंगा कि आप कुछ बोले मास्टर कृष्णा राव जी का क्लासिकल म्यूजिक का, उनका जो शुरुआत कैसे उन्होंने दी। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मेरे साथ मेरे बहुत बड़े दोस्त और उनके सिर के ऊपर जो टोपी उन्होंने पहनी है उससे आपको मालूम पड़ेगा कि वो बाल गंधर्व जी के, नट सम्राट बाल गंधर्व और मास्टर कृष्णराव जी के कितने भक्त है। फैन मैं नहीं कहूँगा क्योंकि फैन और भक्त में बहुत अंतर है। फैन यानी क्या, आगे पीछे घूमते रहते हैं लेकिन ये पूरे दिन पूरे 24 घंटा उनका ही सोचते हैं। जैसे भगवान के बारे में जिसका भक्त हो वो उसका ही सिर्फ विचार करते रहता है, उसी प्रकार मेरा विक्रांत है और वो भास्कर बाबा बकले, बाल गंधर्व जी, मास्टर कृष्ण राव और मेरे पिताजी पंडित राम मराठे इस ट्रेडिशन का ही अध्ययन करते हैं और खास करके गंधर्व नाटक मंडली का। आज है 20 जनवरी 2021। मास्टर कृष्णा राव एक्चुअली सभी तभी के जमाने के उनके रसिक लोग इनको कृष्णा मास्टर, इनको इस प्यारे नाम से पहचानते थे। मास्टर कृष्णा राव इससे अच्छा वो बोलते कृष्णा मास्टर के गाने को जाएंगे, ऐसे लगता था कि हमारा कोई दोस्त गाने वाला है क्योंकि इनके गाने की अभी जो हमने एक छवि सुनी, राब भूख पी बंदिश, उनका जैसे आपको मालूम है जन्म हुआ था 1898 में और वो उनकी आवाज देखिए उसमें आवाज में पूरी प्रासा दिखता है, यानी डिवोशन है। मुझे ऐसे लगता है उनका जन्म का जो स्थान है उससे वो जुड़ा है। इनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र के आळंदी में, जहां सब संतों का अध्ययन हुआ था, संतों का जन्म हुआ था और संतर उधर अध्ययन करते थे। तो जिस आळंदी में उनका जन्म हो गया था उससे उनका एक बहुत बड़ा योगदान उनके आवाज में, लगन में है, ऐसा मुझे लगता है। अभी हमने जो बंदिश सुनी राग भूप की थी, पारंपरिक बंदिश, फूल बनसे जसवारू, ये सब पारंपरिक बंदिशों को लेकर मास्टर कृष्णराव जी के गुरु गायनाचार्य पंडित भास्कर बुआ जी बकले, उन्होंने अलग अलग नाटकों में संगीत दिया था। और तब ये जो सब बंदिशें थी लोकप्रिय होने के लिए संगीत नाटक का योगदान बहुत था। जिस प्रकार स्वयंवर में सुजन कसा मन चोरी, ये जो नाट्य पद है जो बाल गंधर्व गाया करते थे रुक्मिणी के रोल में, उसकी से सही सही फूल बनसे जसवारू इस बंदिश के ऊपर धुन ट्यून की गई है। तो अलग अलग इस प्रकार के ट्यून भास्कर बाबा बखले करते थे। 1898 में उनका जन्म हुआ था लेकिन बाद में इनको जिस प्रकार गुरु मिले
इसके बारे में अभी विक्रांत से थोड़ा बात करेंगे। विक्रांत जी आइए। हाँ नमस्कार, सभी श्रोताओं को नमस्कार और आप दोनों को भी नमस्कार। मुकुंद जी तो बड़े बहुत ही अच्छे क्लासिकल सिंगर है, मराठी स्टेज एक्टर भी हैं, संगीत नाटक में काम कर चुके हैं। और मेन खासियत में ये बताता हूँ कि मास्टर कृष्णाराव फुलंब्रीकर जो जिनके शिष्य थे भास्कर बुआ, देवगंधर्व जिनको बोलते थे, देवगंधर्व भास्कर बुआ बखले, और भास्कर बुआ जी के शागिर्द मास्टर कृष्णाराव, उनके शागिर्द श्रीराम मराठे और उनके बेटे चिरंजीव, ये मुकुंद मराठे हैं। तो जो गाने की जो संथा होती है वो वहां से चली आ रही है, बहुत ही अच्छा ये मतलब मिलाप है। अभी ये मैं कहूंगा कि मास्टर कृष्णाराव जी को संगीत कला निधि ये उपाधि दी गई थी, वो बहुत बाद में, पहले वो बाल मास्टर कृष्णा था। और मास्टर कृष्णा ये नाटक मंडली में थे जहां सवाई गंधर्व रामभाऊ कुंदगोलकर ये उनके पहले गुरु थे मास्टर कृष्णाराव के। और उनके बाद फिर भास्कर बुआ जी ने संत सखू ये नाटक मास्टर का देखा, मास्टर कृष्णा का। तो तब भास्कर बुआ उनको किशा बोलते थे। और ये जब देखा तो उसमें छोटा विठल, जो हमारा मतलब पंढरपुर में जो विठल है, तो विठल विठोबा विठोबा ये भूमिका मास्टर ने उसमें की थी, बहुत छोटे थे मास्टर। और संत सखू की भूमिका सवाई गंधर्व रामभाऊ कुंदगोलकर इन्होंने की थी। हरि नारायण आपटे इन्होंने लिखा हुआ ये संत सखू नाटक था। और ये नाटक देखने के लिए भास्कर बुआ जी आए थे और उसमें भक्त जन सदा ये पद इसको वंस मोर मिला। तो मास्टर कृष्णाराव की खासियत वो बाल वय में, छोटे उम्र में ये थी, ये जो भास्कर बुआ जी को दिखी, नजर में आई कि एक ही पद इतनी छोटी उम्र में वंस मोर मिलने के बाद अलग अलग राग में वो गा रहे थे, ये उन्होंने बहुत ध्यान में रखा। आगे चल के भास्कर बुआ जी का गाना उन्होंने, उनके उनका नाम तो आ ही गया था कानों के ऊपर मास्टर के, तो उनकी इच्छा भी थी कि भास्कर बुआ जी के पास सीखूं, उनसे संगीत की शिक्षा लूं। और तब सवाई गंधर्व रामभाऊ ने उनको, भास्कर बुआ को बोल दिया और कृष्णा को भी बोल दिया कि अभी तुम भास्कर बुआ जी के पास सीखो। और जब गए तो मेन बात ये होती है उसमें कि भास्कर बुआ को बेटा नहीं था, बेटियां थी। तो ये जब आया बाल कृष्णा, तब उनको ऐसा लगा कि ये मेरा बेटा है, मैं इसको पढ़ाता हूँ। भास्कर बुआ जी ने उनसे, मास्टर से, कृष्णा से एक भी पैसा लिया नहीं और उनको पुत्रवत उसको सिखाया, जैसा बेटा है मेरा वही वैसा ही वो है, ऐसे वो सिखाते चले आए गए। और ये दौर है, देखिए 1911 में संगीत मानापमान नाटक आया, उससे पहले मास्टर कृष्णा भास्कर बुआ जी के शिष्य बन चुके थे। तब भास्कर बुआ ने मानापमान नाटक में जो बंदिश, जो बाद में गोविंदराव टेंबे ने संगीत दिया और जो बाल गंधर्व ने गाया, नारायण राव श्रीपाद राजहंस उर्फ बाल गंधर्व, तो वो भामिनी की भूमिका बाल गंधर्व ने की थी, पर वो जो गाने थे, वो जो नाट्य पद थे, उसकी जो मूल बंदिश थी वो पहले ही मास्टर को मिल गई भास्कर बुआ जी से। तो जैसे पिहरवा त्योहारो नेक नजर, ये यमन कल्याण में बंदिश है, ये पहले ही मास्टर को सिखाई, तब उसका नामकरण हो गया था मास्टर कृष्णा, बाद में वो मास्टर कृष्णा बन गए। तो अभी हम थोड़ा सा उनका एक राग, एक राग दुर्गा आभो की सुनते हैं। हाँ 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 हाँ
हाँ वाह वाह। अब एक और हम सुनते हैं जयत कल्याणी एक और।
वाह वाह हाँ तो मुकुंद जी, तो ऐसे हाँ ये वाह जोड़ रहा सुनते सुनते हम जानते हैं कि मास्टर कृष्णाराव जी ने कई नए रागों को भी उन्होंने मतलब निर्मित किया अपने था, बनाया था म्यूजिक एक। के, जैसे तिलक केदार है, मंगल तोड़ी है, शिव कल्याण है, बिल्व विभास पिंडोल है, बहार है। जौन जौन कली है। तो मैं चाहूंगा कि आप इस चीज पर कुछ बताएं ये उनके। हाँ बताता हूं। पहले देखिए, दुर्गा भोगी तो ये जोड़ राग था जो अलग अलग रागों का मिश्रण किया है। ऐसे बहुत रागों का उन्होंने मिश्रण किया है। बाद में हमने जो जयत कल्याण राग सुना, ये खास करके जयपुर शैली में गाया जाता है। तो इसकी विशेषता आप ये देखिए, भास्कर बुआ को उस्ताद नत्थन खां से तालीम मिली थी, और जो आगरा ग्वालियर जयपुर तीनों घराने गाते थे। एक्चुअली कहे तो ये देव गंधर्व घराना है, ऐसे बोल सकते हैं, स्वर भास्कर घराना है, क्योंकि वो तीनों गायकी अलग अलग करके भी दिखाते गाते थे और तीनों मिश्र करके गाते थे। मुझे कहने में बहुत आनंद हो रहा है कि आपने जो कष्ट लिया है प्रोग्राम बनाने में, बहुत बड़े बड़े हस्ती इस प्रोग्राम को में शामिल हुए, जिसमें खुद मास्टर कृष्णराव फुलंब्रीकर जी की ग्रैंड डॉटर प्रिया फुलंब्रीकर और उनके हाँ पूरा जी परिवार शामिल है। एक्चुअली मैं दोनों के साथ और विक्रांत और मेरे के साथ, मैं सुहास दातार जी को शामिल होना इच्छा थी मेरी, लेकिन उनके हाँ छोटे भाई सुधीर दातार और हाँ जी सुहास दातार, ये दोनों भास्कर बुआ के ग्रैंडसन। सुधीर दातार का हाँ हाँ अचानक 10 दिन पहले देहांत हो गया था, इसलिए सुहास हाँ जी जी आज हमें शामिल नहीं हो गए। लेकिन सुहास जी एट द एज ऑफ 82 अभी भी कृष्णा मास्टर की गायकी सही सही दिखा देते हैं। अभी क्या कुछ बात सुनाने के पहले इनके गाने की विशेषता अभी देखिए। अभी हमने जो गाना सुना, है। आज के जो गाने वाले होते हैं उनसे थोड़ा अलग है, लेकिन इसमें यह भी लगता है कि कुछ गायकों ने उनका अनुकरण भी किया है। जिस प्रकार का आवाज हल्का लगाने का, हल्का यानी इसमें जोश है लेकिन ऊपर ऊपर हल्का लगाने का, वो डीबी पलुस्कर जी वैसे ही उस प्रकार के लगा देते क्लासिकल में। आजकल के जमाने के बड़े गायक पंडित उल्लास कशालकर जी, वो भी उस प्रकार का आवाज लगाते हैं, पतला आवाज जैसा उनका है। लयकर देखी और उनके आवाज में और एक खासियत ऐसी लगी हमें कि उनमें आवाज में राउंडिंग गोलाई है, और उनको अकम्पनीमेंट में एक, मुझे लगता है विक्रांत जी आप सही करो, राजन्ना नाम के कोई तबला वादक थे, राजन्ना थे, और उस्ताद अहमद जान खान थेरकवा थे, एसवी पटवर्धन होते थे, और हरिबो देशपांडे हारमोनियम तथा ऑर्गन को संगत करते थे। मास्टर कृष्णा क्लासिकल को भी ऑर्गन अकम्पनीमेंट लेते थे, इसलिए वो गाना एकदम स्वर का तबला और ऑर्गन जैसे स्वर, इसलिए बहुत लोगों को आनंद देता था। उनके गाने में अच्छा गमक था, गोलाई थी, छोटे छोटे जो हम भरत काम बोलते हैं, हरकती करने का उनका, दो या तीन स्वर में उनका ही छोटे छोटे करने का वो इनका था। और इनके आवाज की खासियत यानी फ्लेक्सिबिलिटी, गले की स्वर तंतु की जो लवचिकता बोलते हैं हम, फ्लेक्सिबिलिटी, ये बहुत उनमें ये हमें दिखाई देती है। और इसके साथ साथ जैसा हवा का झोंका आने के बाद जो आंदोलन होता है, उसी प्रकार जब भी वो आलाप करते थे, ऐसा एक आनंद मिलता था सभी रसिकों को, और सुनने के बाद ऐसा लगता था अरे ये गाना तो मैं भी गा सकता हूँ। लेकिन इस प्रकार का आवाज लगाना, लेकिन यह फॉल्सेटो नहीं है, ये उनका असली आवाज है, हल्का है लेकिन फॉल्सेटो नहीं है, वो पूरा अंदर से वो गाते थे। तो अभी मैं एक थोड़ा दो तीन रागों का ये दिखाता हूँ। तानपुरा का वॉल्यूम देखिए, सिर्फ ज्यादा नहीं होना चाहिए। पहले दिखाता हूँ तिलक केदार। हाँ जी आवाज आ रहा है बराबर? आवाज आ रहा है ना? वो ज्यादा रूपक में बंदी से बहुत अच्छा करते थे।
और इसका मेन जो उसका मुख है बंदिश का, वो इतना अच्छा रखते थे कि तभी जब भी मुख यानी बंदिश का शुरुआत करते थे, वाह 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 लोग कहते थे, मंगल गावो, मंगल गावो, हे पिया के मुख देखा पहचान है, मंगल गावो, हे मंगल गावो। ये उनका तिलक के द्वारा बाद में एक शिव कल्याण उन्होंने बनाया था, यमन और शिवरंजनी का मिश्रण। शिवरंजनी एक पिताजी को जो ड्रग सिखाया था हिंडोल बाहर, उसकी तो बंदिश कमाल की है। जैसे आपको बताया कि जो ड्रग में जैसे लड़कियां अपने बाल बनाती है, तभी जो छो वेणी कहते हैं एक दूसरे के ऊपर डालती है, तो एक के ऊपर दूसरा आना चाहिए, फिर पहला आना चाहिए दूसरा, उसी प्रकार जो ड्रग में मास्टर कृष्णा ने मेरे पिताजी को नजर दी थी, और इसलिए मेरे पिताजी जो ड्रग के बादशाह करके मालूम हुआ करते थे। लेकिन ये नजर उन्हें मास्टर कृष्णा और उनके दूसरे गुरु जगन्नाथ बुआ पुरोहित गुरुदास उन दोनों ने दी थी। हिंडोल बाहर धनी सारे गे सा निशा दशा ग सा ग म ग सा म म प ग म नि ग म द सा द नि ब म प ग म सा ग म ग म ग सा नि द नि ब म प ग म ग म नि ग म द सा नि म ग सा ग म ग म ग म ग सा म म प ग म रे सार हे हे मायरी आज अब ने मायरी आज अब ने शुभ घड़ी शुभ दिना मंगल गावो मायरी आज। इसमें उनका गमक ये जो खासियत थी वो भास्कर बुआ से उनके पास गमक की अंग थी। हमारे पास समय ज्यादा नहीं है इसलिए इतना ही बात कम करते हैं, आगे का भी हम सुनते हैं। तो ऐसे अलग अलग रागों रागों में उन्होंने बनाई थी, मंगल तोड़ी बनाई थी, जोन कली जोनपुरी और रामकली का तीव्र मध्यम उसमें इस्तेमाल किया था। तो उनकी जो कल्पना शक्ति थी वो बहुत बड़ी थी। तो विक्रम से मैंने पूछा कि ये उनको नजर किसने दी, तो बोले एक्चुअली वो तो बॉर्न एंड बॉटरप वो खुद ही अपना संगीत लेके आए थे, लेकिन भास्कर बुआ ने उनको बहुत बड़ी तालीम दी थी। विक्रांत जी आप कुछ बोलना पसंद करेंगे या आगे सुनेंगे? एक अड़ाना मैं सुनाता हूँ फिर हम विक्रांत जी। ठीक है। हाँ।
हाँ क्या हुआ? हाँ हेलो, मेरी आवाज आ रही है। ये ग्रामोफोन रिकॉर्ड जो है मुंदरी मोरी काहे को, तो मुझे इसके शब्द थोड़े बहुत मालूम है। मुंदरी मतलब अंगूठी, मुंदरी ये अंगूठी को बोलते हैं, और मास्टर कृष्णराव जी के उंगली में एक अंगूठी में हीरा था, वो हमेशा मुझे एकदम याद आ गया तो मैं बोल रहा हूँ। वो महफल जब गाते थे तो ऐसे वो हीरा वो देखते थे, उसमें से उनको चमक मिलती थी, ऐसा एक थोड़ा बहुत ये था। अभी ये रिकॉर्ड जो है मुंदरी मोरी काहे को, ये जो अडाना है, तो शास्त्रीय के ऊपर मुकुंद जी तो अच्छा बोल सकते ही है, क्योंकि मेरा शास्त्रीय संगीत का नॉलेज उतना नहीं है, मैं तो नाट्यपद गाने वाला हूं, मेरे गुरुजी ने वैसे सिखाया मुझे। पर इसकी एक आठवण जिसको बोलते हैं, एक याद ऐसी है, लॉर्ड विलिंगडन जो था, तो लॉर्ड विलिंगडन ये मुंबई में पुणे में आने वाला था, आने वाले थे लॉर्ड विलिंगडन, ब्रिटिश जमाने की बात है, तब गुरुवर्य भास्कर बुआ जीवित थे, और उनके सामने भास्कर बुआ जी का जलसा रखने के लिए कुछ लोग भास्कर बुआ जी के पास आए थे, और तब वो मास्टर कृष्णा छोटा था तो बैठा था वहां पे, और तो भास्कर बुआ जी से बातचीत हो गई कि भाई क्या करना है, क्या गाना है आपका वगैरह। तो भास्कर बुआ जी देखिए ऐसे है, इतने बड़े गुरु, ऐसा गुरु तो बहुत कम मिलता है, कि उन्होंने उनको बोला कि मेरा तो गाना आप रख रहे हैं, ये छोटा किशा का भी आप गाना रखो, 15 मिनट इसको भी आप गाने का मौका दो मेरे साथ में। तो वो लोग निकल गए, तो भास्कर बुआ बोले, वो मराठी में बोले, अभी मैं हिंदी में बताता हूँ, वो बोले कि लेका सब अभी शाहणे, मतलब शाहणा ये राग है, तो सब शाहणे मतलब क्या बोलेंगे अभी हिंदी में, जो भी है सब है, तो तुम्हें अडाना सिखाता हूं, और ये अडाना की बंदिश उनको सिखाई गई। अभी ये ग्रामोफोन रिकॉर्ड ऐसा हुआ, तब ग्रामोफोन रिकॉर्डिंग HMV कंपनी ये मुंबई में थी, कलकत्ता में भी होता था, मुंबई में भी होते थे रिकॉर्डिंग्स, जहां काला घोड़ा अभी है मुंबई फोर्ट एरिया में, वहां उनका स्टूडियो था,
ये जो रिकॉर्ड है ये 1925 के पहले की है, 8 अप्रैल 1922 में भास्कर बुआ जी गुजर गए, तो भास्कर बुआ जी जीवित थे उसके पहले की रिकॉर्ड है। देखिए तब रिकॉर्डिंग का टेक्निक जो होता था वो बड़ा सा हॉर्न होता था और हॉर्न में मुंह डाल के उसको गाया जाता था जोर से, फिर वो उसको अकोस्टिक रिकॉर्डिंग बोलते थे, नॉन माइक्रोफोन रिकॉर्डिंग, माइक्रोफोन नहीं था, नॉन इलेक्ट्रिकल रिकॉर्डिंग, अकोस्टिक रिकॉर्डिंग। तब ये रिकॉर्डिंग जब मास्टर ने दिया तो मुझे तो ऐसा लगता है और सही अनुमान मैं लगा रहा हूं कि हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ कि मास्टर ने वो गाया और उसकी कच्ची ग्रामोफोन रिकॉर्ड जिसको सैंपल रिकॉर्ड बोलते हैं वो पूना में भास्कर बुआ जी को सुनने सुनाने के लिए वो भेजी गई। भास्कर बुआ जी ने वो सुनी और पास कर दी, वो पास्ट करके बाद में लिख लिया और फिर ये बाहर आ गई। मास्टर जी को, मास्टर कृष्णाराव जब बचपन में वो बहुत पतले थे, अभी देखिए मुकुंद जी ने वो बोला कि गमक की बात की, वो सही है, 100% सही है। भास्कर बुआ का जो गाना था तो भास्कर बुआ जी गाते थे उसमें वो गमक लाते थे, तो वो अभी मुकुंद जी ने गा के भी सुनाया और मास्टर कृष्णाराव जी के गाने में वो है, वो गमक से गाते थे। तब मास्टर जी, मास्टर कृष्णा, ये उनका थोड़ा सा वो नकल भी बहुत अच्छा मारते थे हालांकि, तो वो गमक करने की कोशिश करते थे। तब भास्कर बुआ ने मास्टर को बोला कि अरे लेका तू इतना पतला है तो फू करेगा तो उड़ जाएगा, गमक आने में अभी बहुत वक्त है तो अभी रुको, आस्ते 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 आस्ते। ये बात आगे आगे निकल गई और उन्होंने जो भी गाना, देखिए कैसा होता है गुरु और शिष्य, इसमें ये जबरदस्त ऐसी एक कड़ी है कि गुरु कितना भी बड़ा है पर शिष्य कमजोर होगा तो कैसा होगा उसका गाना, और गुरु अगर सिखाने वाला कमजोर है और शिष्य बहुत बलवान है फिर भी उसके ऊपर असर पड़ेगा। पर यहां देखिए गुरु भी उतना बड़ा है और शिष्य भी तोड़िस तोड़ है, मराठी में हम बोलेंगे मतलब एकदम जैसे है वैसे है। और मास्टर की एक खासियत अभी मैं बता देता हूं कि जैसे आजकल में मैं लता मंगेशकर का नाम लूंगा, अभी भारत रत्न लता जी है तो जी लगाना जरूरी है, पर फिर भी लता मंगेशकर का नाम लूंगा कि उनके बारे में कहा गया कि म्यूजिक डायरेक्टर ने उनको गाना सिखाया, जैसे सिखाया वैसे गले से उतर गया आ गया, वैसे ही मास्टर कृष्णाराव, मराठी में हम उसको एक पाठी बोलते हैं, मतलब जस्ट गुरु ने बताया जैसे और बाहर हो गया, जैसे गुरु के गले से निकल रहा है वैसे मास्टर कृष्णाराव के गले से निकल रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात थी और बहुत ऐसे कम लोग, मतलब मुझे तो मालूम नहीं, मास्टर जी के बारे में ये मैं बता सकता हूं कि मास्टर ये ऐसे थे, बहुत शार्प थे, नोटेशन भी उतना पक्का था और उनके गले में अलग अलग खासियत थी। देखिए ना, मिंड है, बोलतान है, बोलभाट जिसको बोलते हैं वो है, सब जो अलग अलग पहलू है वो उनके गले में है, उनके गायकी में है। और इसीलिए किसी ने मुझे कुछ दिन पहले पूछा था कि मास्टर कृष्णाराव का घराना कौन सा है, तो मैं खुद यही कहा कि मास्टर कृष्णाराव का घराने का नाम है मास्टर कृष्णाराव, उनका घराना उन्हीं से शुरू होता है, भले भास्कर बुआ जी से सीखे, भास्कर बुआ तो तीन घराने की गायकी सीखे थे, जयपुर, पहले ग्वालियर फैज अहमद खां साहब, बाद में नथन खां साहब, फैज मोहम्मद खां साहब, नथन खां साहब और उसके बाद अलादिया खां साहब, बहुत बड़े, तीनों घराने की गायकी एक जगह आकर ठहरी थी, आगरा भी थी, ग्वालियर आगरा जयपुर, ये तीनों का मिश्रण इतना अच्छे ढंग से हुआ था और वही भास्कर बुआ जी ने मास्टर को सिखाया। और गुरु देखिए कैसा है कि इसमें अपने शिष्य का गला कैसा है उसके बर हुकुम सिखाना, यह बहुत बड़ी बात है। मास्टर कृष्णा को
बैठक में गाना है, मतलब महफिल में गाना है, तो उसको वो महफिल के गाने के हिसाब से उन्होंने सिखाया। नारायण राव बाल गंधर्व को वैसे नहीं सिखाया, उसको नाटक में गाना है तो उसको नाटक में काम करना है, तो वो किस ढंग से गाएगा बाल गंधर्व, तो उस ढंग से उनको सिखाया, मास्टर को इस ढंग से सिखाया। और तभी एक वाकया याद आ गया, दोनों सीख रहे थे पुना की बात है, भारत गायन समाज में उनके घर पे, और दोनों को तालीम चल रही थी, और मास्टर को अभी भी याद है वो एक्चुअल ये हुआ था कि एक तान पलटा दिया था, तान नहीं बोलते पलटा वो दिया था, और उसमें गमक थी, तो मास्टर वो उसकी प्रैक्टिस कर रहा था, छोटा मास्टर कृष्णा, तो बाल गंधर्व ने, और भास्कर बुआ बोले मैं थोड़ा जाके आता हूँ नीचे, तो बाल गंधर्व ने बोला कि अरे ये क्या है। बाल गंधर्व से मास्टर 10 साल छोटे थे, तो जब छोटे थे तब वो अरे तुरे मतलब अरे ऐसे बात करते थे, बाद में आप करके बात करते थे, तो बोले अरे ये क्या है मुझे जरा बताओ, तो मास्टर ने उनको बताया कि ये ऐसा ऐसा है, तो उतने में भास्कर बुआ आए और बाल गंधर्व को चाटा मार दिया कि ये तेरे लिए नहीं है, ये उसके लिए है, किशा के लिए है, कृष्णा के लिए है, तुम्हें नाटक में गाना है, उसको महफल में गाना है। बाल गंधर्व और मास्टर ये दोनों, वो बाद में बताता हूं मैं, पर मास्टर के गले में यही खासियत थी कि अलग अलग स्टाइल मास्टर ने सुन के। अच्छा दूसरी बात ये है कि तब ऐसा था, एक घराने का अगर गायकी है, गा रहा है, वो सीख रहा है गुरु के पास, तो दूसरे घराने का गाना नहीं सुनेंगे, ऐसी स्ट्रिक्ट वार्निंग रहती थी। पर भास्कर बुआ ने मास्टर को वैसे कभी किया नहीं कि ये नहीं सुनने का, वो नहीं सुनने का। हालांकि नथन खान साहब आगरे वाले, मतलब 1901 में गुजर गए वो, भास्कर बुआ जी के गुरुवर्य, उनकी एक शिष्या थी, उसका नाम था चंदा कारवार करीन उर्फ बाबली बाई, उसका गाना सुनने के लिए भी मास्टर बाल गंधर्व को लेके गए थे भास्कर बुआ दोनों को। मतलब दूसरे का भी गाना सुनो, ये वो जमाने में होता था, और ये अलग अलग ढंग ये मास्टर ने अपने गले में जो लाए हैं, लाजवाब है। हाँ। तो अभी हम एक और उनका खुद की कंपोजिशन हाँ। सुनते हैं एक पुराना। तुम मत जाओ मुरारी रे, दो तुल जन हमरा कुल होवे, दो तुल जन हमरा कुल होवे, निर्मल वत पर जाए तारी रे, निर्मल वत पर जाए तारी रे, तुम मत जाओ मुरारी रे, तुम मत जाओ मुरारी मत जाओ मुरारी रे, मुरारी 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 रे, तुम मत जाओ मुरारी रे, तुम मत जाओ मुरारी रे, जोगीदार का जोगीदार का इंद्रपुरी रे, जोगीदार का इंद्रपुरी रे, गोकुल की रचना रे, गोकुल की रचना रे, कृष्णदास दिल मान बिनती रे, तुम मत जाओ मुरारी रे, तुम मत जाओ मुरारी मुरारी, तुम मत जाओ तुम मत जाओ मुरारी रे, तुम मत जाओ मुरारी रे, मुरारी तुम मत जाओ मुरारी रे, तुम मत जाओ मुरारी रे, तुम मत जाओ, तुम मत जाओ मुरारी रे, तुम मत जाओ मुरारी रे।
मत जाओ, तुम मत जाओ, तुम मत जाओ, तुम मत जाओ मुरारी हाँ, तुम मत, तुम मत जाओ मुरारी रे, तुम मत जाओ मुरारी। और मास्टर कृष्णराव जी तो न कि रंगमंच पर फिल्म में एक्टिंग भी करते, गाना भी गाते थे और वो कंपोज भी करते थे म्यूजिक, ये सारे इनमें तो एक साध्वी मीराबाई इस नाटक में भी उन्होंने काफी कंपोज किया है गाने, तो एक वो भी इसके पहले अभी जो ठुमरी सुनता हूं। आईचा आशीर्वाद आप प्रमाण बोलू कुछ जी, आप ठुमरी के बारे में बताना। हाँ, ये अभी खमास ठुमरी थी। बोलिए बोलिए। मास्टर जी लगभग 10-12 अलग अलग ठुमरी सुनाते थे और उनकी खासियत थी जैसे अद्धा नहीं तो दीपचंदी में हम ठुमरी सुनते हैं, लेकिन वो मध्यलय एकताल में जो उनकी खास ठुमरी ढंग की बंदिश थी, पिया कर धरा देखो थरकत है मोरी छतिया, ये तो उन्होंने इतनी पॉपुलर की थी, उसके ऊपर गाना भी आया था मधुकर वन वन फिरत करी गुंजार वाला। तो ये अलग अलग खमास ठुमरी में उनको ये खासियत ये थी कि वो अलग अलग रागों की मूर्छना करते थे, यानी षड्ज बदल के अलग अलग स्वरों पर न्यास करना। ये जो न्यास करना है, मूर्छना करना, मेरे पिताजी और पंडित छोटा गंधर्व, स्वरराज छोटा गंधर्व, ये दोनों अच्छे करते थे। और ये जो मूर्छना करना है ये अभिमन्यु के चक्रव्यूह जैसा है, यानी वो चक्रव्यूह में अंदर जाएंगे तो शायद वो आपका स्केल भी चेंज हो सकता है और आपको मालूम नहीं पड़ेगा वापस कहाँ आना है, लेकिन वो मास्टर की खासियत थी। वो चक्रों में भेद करके फिर ओरिजिनल पे आते थे, लोगों को भी लगता था अब ये कैसे बाहर आ जाएंगे और वो चक्रों भेद के चर्ज के आएंगे फिर दूसरे राग में, ऐसे अलग अलग रागों की मूर्छना करते रहते थे और ये उनकी बहुत खासियत थी। आगे अभी हम सुनेंगे साध्वी मीराबाई का। आईच्या आशीर्वादाप्रमाणे आज बाळा वसंत पूजित श्री कृष्ण पूजेचा लाभ होईल। माझे मन माझे मन माझे मन गोविंद बिनो मोर हार, माझे मन माझे मन गोविंद बिनो मोर हार, माझे मन गोविंद बिनो मोर हार, माझे मन गोविंद बिनो मोर, माझे मन गोविंद बिनो मोर हार, माझे मन गोविंदनो मोर, कोई कहे सस्ता कोई कहे महंगा, कोई कहे सस्ता कोई कहे सस्ता कोई कहे महंगा, कोई कहे महंगा कोई कहे अनमोल, कोई कहे अनमोल, इंद्रावन की कुंड गरि सबो, इंद्रावन की इंद्रावन की इंद्रावन की इंद्रावन की कुंड गरि सबो, इंद्रावन की कुंड गरि नमो, जिजोख बजा के ठो जिजोख बजा के ठो, प्रभु श्री सरदागर
मीरा कहे प्रभु, मीरा कहे प्रभु, मीरा कहे प्रभु, गिरी सरदागर पूरा भजन बके मारी मैंने वाह। जिस प्रकार हमने अभी बाल गंधर्व जी का दर्शन लिया, ये बाल गंधर्व जी और मास्टर जी का जो रिलेशन था ये बहुत अलग था। यानी कभी वो नाटक में हीरो हीरोइन होते थे, कभी माँ और लड़की, कभी दोनों बंधु, दोनों ब्रदर्स, कभी आमने सामने, लेकिन उनका असली रिलेशन था गुरु बंधु। और ये कभी भी वो भूले नहीं थे, एक ही गुरु के दोनों चेले थे। लेकिन मैं ये कहने के लिए एक विधान करना चाहता हूँ, ये सब बुजुर्ग मानेंगे, बाल गंधर्व की यशोस्तुता में भास्कर व बखले और मास्टर कृष्णराव का योगदान लगभग 80% था। विक्रांत जी सही है? एकदम सही है। क्या हाँ, एकदम, क्योंकि बाल गंधर्व का आवाज तो अलग है, लेकिन उनको जो धुने मिली थी और मास्टर जिस प्रकार को उनको सिखाते थे, और बाद में बाल गंधर्व अपनी ट्रीटमेंट लेके उसको पेश करते थे, लेकिन मेन धुन जो दोनों की मिलती थी उनको, क्योंकि बाल गंधर्व ने बहुत अलग अलग कठिन रागों में उनको बंदिशें दी थी, लेकिन मास्टर की जो पहचान थी वो कम से कम स्वरों में, यानी यमन, भीमपलास, भूप, सारंग, ऐसे आम रागों में वो ये ट्यून बनाते थे। यमन, भैरवी, भीमपलास में तो उन्होंने सैकड़ों ट्यून्स बनाया है, लेकिन एक ट्यून अलग दूसरे ट्यून से अलग, उसकी एक खासियत थी। यानी भैरवी में कभी गंधर्व में उनका ये होता था सम, जिस प्रकार बोला अमृत बोला, ये कुलवधु का है। अभी मैं फिर आपको पीछे लेके जाता हूँ, बाल गंधर्व की जिस प्रकार अभी हमने छवि देखी, उनका दर्शन लिया, उसी प्रकार मास्टर जी ने, कृष्णा मास्टर ने वी शांताराम के भक्ति चा माला, यानी संत सावता माली, माली के ऊपर ये मूवी है, उसमें मेन रोल किया था। ये पूरा मूवी आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, क्योंकि पूरा मूवी हमें देखने में इतना समय भी नहीं है, तो सब ऑडियंस को, रसिकों को मैं बोलता हूँ, ये जरूर देखिए। मास्टरों, मास्टर कृष्णाराव की अभिनय भी देख सकते हैं, उनके कुछ दर्शन आप कर सकते हैं। आगे देखिए। हाँ, एक और है, एक गीत वो भी मैं सुना। हाँ, विदुर घर जारे उद्धव जी, विदुर घर जारे उद्धव जी, विदुर घर जारे चलो तुम, विदुर घर जारे चलो तुम, विदुर घर जारे शबरी के पेर सुदाम जी के चावल, शबरी के पेर सुदाम जी के चावल, रुचि रुचि भोग लगावे रे, रुचि रुचि भोग लगावे रे, तुम विदुर घर जारे उद्धव रे, विदुर घर जारे उद्धव रे, विदुर घर जारे चलो तुम, विदुर घर जारे उद्धव रे, उद्धव रे, उद्धव रे, उद्धव रे, विदुर घर जारे चलो तुम। शबरी के बेर सुदाम जी के चावल, शबरी
चावल रुचि रुचि भोग लगावे रुचि रुचि भोग लगावे विदुर गजा ये उद्धव जी विदुर 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 घर जा रे जारे विदुर घर जा रे बड़े बड़े मंदिर कोल काम के बड़े बड़े मंदिर कोल काम के भाव अंदर नहीं पावे भाव अंदर नहीं पावे सूरदास प्रभु तुम्हारे दर्शन को सूरदास प्रभु तुम्हारे दर्शन को काहे को बेर लगावे रे काहे को बेर लगावे विदुर घर जा रे उद्धव जी विदुर घर जा रे विदुर घर जा रे विदुर घर जा रे विदुर घर जा उद्धव जी चलो तुम विदुर घर विदुर घर हमारे विदुर घर जा रे विदुर घर जा रे ये जो इस प्रकार के उनके भजन थे वो जनरली मध्यम में गाते थे। अच्छा। पांच या छह स्वरों में उसका कंपोजिशन किया है। हाँ। जब भी वो ऊपर गंधर्व मध्यम तक जाते हैं वो पूरा फोर्स से नहीं गाते लेकिन इतना हल्का लगाते हैं कि लगता है कितना ऊपर अच्छी तरह गया है, जोश ज्यादा नहीं लगाते थे। तो मेरे पिताजी ने उनके ऊपर एक बंदिश बनाई है, यानी पूरे गुरु उनको उनके आपको बताता हूँ बंदिश क्या है। भीमपलास में है, तपत जपत गुरु नाम रटत रटत साधे काम, भास्कर किए रीत भात, भास्कर किए रीत भात कृष्ण दास रंग बरसे, गुनी दास आशीष से सुर गंगा बहलाए। तो कृष्ण दास यानी मास्टर कृष्णा के गाने में रंग ये है। तो कुछ लोग बोलते थे उनके गाने में सिर्फ रंग है क्या, तो मेरे पिताजी से गमते थे गमती से मजा से बोलते थे कि रंग के ऊपर जो डॉट है वो निकल के जो रग जोश है वो भी है उनके गाने में। रग भी है और रंग भी है, क्योंकि जब भी जरूरत है तभी रग जोश भी दिखाते हैं वो बंदिश में, और जब भी रंग चाहिए वो रंग, और क्लासिकल में भी वो रंग इस प्रकार लाते थे। तो दोनों प्रकार उनका आवाज का जो यानी वॉइस कल्चर था ये आप देखने जैसा है। इतना हल्का गला लगाने से भी उनका आवाज का भी प्रॉब्लम है, गर्म पानी पियो ऐसा कुछ उनको प्रॉब्लम नहीं होता था, क्योंकि मेनली नाटक की वजह से। और जो नाटक मंडली थे तभी की उनका मिनिमम क्वालिफिकेशन होता था सफेद तीन सफेद चार के ऊपर ही गाना। कोई बोला मैं काली एक काली दो में गाता हूँ, यू आर नॉट एलिजिबल टू एंटर गंधर्व नाटक मंडली। अच्छा। आप सफेद चार मिनिमम आपका क्वालिफिकेशन है तो आप अंदर आइए। अच्छा। तभी वो देखते थे क्योंकि तभी माइक्रोफोन्स नहीं थे। हाँ। एक सामने ऑर्गन होता था, बाजू में विंग में दो ऑर्गन होते थे, जिस प्रकार हम आजकल मॉनिटर यूज करते हैं वो दो। हाँ। बाजू के जो विंग में लगाते थे ऑर्गन उसको मॉनिटर जैसे यूज होता था, क्योंकि वो कानों में स्वर मिलता था गाने वाले को। हाँ। और आगे उनको गाने में बहुत अच्छा फोर्स मिलता था। तो इस प्रकार मास्टर ने नाटक में भी काम किया, महफल जमाते थे। 1922 में भास्कर बुआ का देहांत हो गया, तो मैं विक्रम से पूछना चाहता हूँ, तभी उन मास्टर का एज था लगभग 24 इयर्स, 1898 और 1922, तो 24 साल तक उनको भास्कर बुआ की तालीम मिली, लगभग 15 साल उनको मिली होगी, 12 या 15 साल। लेकिन उनके बाद उन्होंने ऐसा कुछ सोचा क्या ये हमें तालीम लेना चाहिए, क्योंकि जब भी वो लाहौर कराची में गए थे तभी उस्ताद बरकत अली खां उनको मिले थे और उन्होंने कहा आपके गाने में मुझे पूरा भास्कर बुआ दिखते हैं। तो उनको ये बरकत अली खां साहब ने उन्होंने बोला था। तो ऐसे उनको गुरु के इससे कोई आगे उन्होंने तालीम ली थी क्या, वो जरा विकलन जी आप बताइए। हाँ ये तो मैं बताता हूँ। और एक हाँ। याद आ गया एक किस्सा, वो हकीकत बताता हूँ, किस्सा नहीं हकीकत बताता हूँ। सब लोगों ने सबको मालूम है आज तो यूट्यूब है, रहमत खां साहब भू गंधर्व,
रहमत खां साहब भू गंधर्व जिनको पदवी थी, उपाधि थी, तो रहमत खां साहब तब थे। अच्छा, बाल गंधर्व का ये तो बहुत अपना शॉर्ट पीरियड है, पर फिर भी जल्दी जल्दी बताता हूँ। पर कुछ यादें ऐसी हैं कि वो सामने है, वो अगर पता ही नहीं तो विफल है, सब व्यर्थ है। इसीलिए बताता हूँ, रहमत खां साहब का जो रिकॉर्डिंग्स है, टोटल 12 गाने रिकॉर्ड हुए थे। तो ये रिकॉर्ड जब भी आप सुनेंगे, यूट्यूब पे सबको मिलेगा सुनने के लिए। पर इसकी खासियत ये है कि ये रहमत खां साहब, पहले ये बताता हूँ कि रहमत खां हत्तू खां, तो हत्तू हस्सू खां जो भाई थे, तो हत्तू खां के बेटे रहमत खां साहब ग्वालियर के ये गाने वाले थे। अभी ग्वालियर का गाना, ये कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि बहुत रुक्ष रहता है, मैं क्लियरली बात कर रहा हूँ, बहुत रुक्ष रहता है ऐसे बोलते हैं, पर रहमत खां साहब का गाना सुनने के बाद बिल्कुल रुक्षता का एहसास नहीं होता। रहमत खां साहब के आवाज में, गले में जो मिठास है, वही मिठास मास्टर के गले में है, मास्टर कृष्णा के, ये मैं बताना चाहता हूँ। दूसरी बात यह है, रहमत खां साहब ये अवलिया थे। अभी अवलिया का अर्थ क्या है मैं आपको समझाऊंगा नहीं किसी को। अवलिया मतलब बस धुन में है, जहां लहर है उनकी ये लग गई तो लग गई तार, तो उधर जाना शुरू हो जाए। हाँ, फकीर जैसे अवलिया। तो रहमत खां साहब का जो रिकॉर्डिंग्स हुआ, जो रिकॉर्ड्स बने, वो रिकॉर्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट HMV के साथ वो किया बाल गंधर्व ने, नारायण राव बाल गंधर्व ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि और उनकी भी एक ऐसी ये खासियत थी कि कोई बड़ा गवई है ना तो गंधर्व नाटक मंडली में रखने का, उसका गाना करने का, उसका गाना सुनने का और सबको सुनाने का कि सब लोग आओ सुनो ये क्या है, ये क्या गा रहे, ये था। तो बाल गंधर्व के मन में आया कि रहमत खां साहब का रिकॉर्डिंग करे, रिकॉर्ड्स बनाए HMV जो भी, तो HMV को बोला गया और कॉन्ट्रैक्ट किया। और उसका रिकॉर्डिंग तब स्टूडियो में होता था, पर रहमत खां साहब का रिकॉर्डिंग स्टूडियो में नहीं हुआ, ये आपको शायद ही कहीं मिलेगा, या अभी मैं पहली दफा बता रहा हूं। ग्रैंड रोड, मुंबई में ग्रैंड रोड स्टेशन वेस्ट में नाना शंकर शेठ का एक मंदिर है, वहां एक बंगली थी, वहां गंधर्व नाटक मंडली का मुक्काम रहता था, वहां बसेरा रहता था। और उस बंगली में रहमत खां साहब को उधर, वो तो रुके थे उनके पास, और HMV ने अपना पूरा सब वैक्स डिस्क और वो हॉर्न ये सब लेके उधर आ गए। तब ये रहमत खां साहब का रिकॉर्डिंग शुरू होने से पहले हुआ ये कि वो सामने हॉर्न रखा था, रहमत खां साहब बोले, अभी उनके आवाज में थोड़ा नकल करके सुनाता हूं, वो बोले ये मुंह के सामने क्या लगाया, इतनी उम्र हो गई कभी भी मुंह के सामने ऐसा कुछ भी नहीं लगाया, आज क्या आफत है। तो छत्रे सर्कस वाले, वो उनके शागिर्द थे, वो बोले खां साहब आप गाइए, रहमत खां साहब का आवाज इसमें रिकॉर्डिंग होगा। रहमत खां साहब बोले दूसरा रहमत खां है, रहमत खां तो एक ही है। तो नहीं नहीं आप गाना शुरू करो। तो वो बोले कुत्ते बाबा कुत्ते बाबा। तो उनकी एक आदत थी कि सब कुत्तों को जमा करने का, वो कुत्तों को खाना डालने का, और एकाध कुत्ता वहां भू करके भूख लिया तो वो स्वर पकड़ के उसको गाने का, ऐसी आदत थी ये रहमत का सब, इससे आपको पता चलेगा। तो अभी क्या करें, वहां कुत्ता कहां से लाए। तो फिर किसी ने बोला कि वो ऐसा करो, तो HMV का जो कुत्ता था ट्रेडमार्क, वो कुत्ता हाँ। सामने रखा, तो रहमत खां बोले आओ कुत्ते बाबा आओ खाओ। अरे ये कैसा कुत्ता है तुम्हारा, ये तो कान भी नहीं हिलाता है। तो फिर छत्रे जो थे उन्होंने शुरू किया, इन्होंने गाना एकदम शुरू किया और वो गाना शुरू हो गया। अभी आगे की बात बताता हूँ, रहमत खां साहब का आप रिकॉर्ड सुनो, उनके पीछे जो सुनाई नहीं देगा वो दो तानपुरे बज रहे हैं, क्योंकि अकोस्टिकल रिकॉर्डिंग है इसीलिए, तो एक तानपुरे पे बाल गंधर्व और दूसरे तानपुरे पे मास्टर कृष्णा है। और तबले, हाँ, और तबले की साथ संगत की है बलवंतराव रुकड़ीकर, इन्होंने वो किया। और जब रहमत खां साहब ने भैरवी गाई,
मैं कहना छेड़ो जीरे मैं कहना, ये गाई। तो गाने के बाद रहमत खां साहब बोले अभी हम नहीं गाते, अभी किशा तुम गाओ, मतलब मास्टर कृष्णा तुम गाओ, मेरे पीछे गाओ। एक रिकॉर्ड ऐसी बनी है जिसके एक बाजू में रहमत खां साहब का ये है भाई रवि, और दूसरी बाजू में तुम जागे क्यों है, जागे क्यों, ये गाए है। तो खाली मास्टर कृष्णाराव के साथ तबला संगत की है राजा अण्णा ने, तो राजा ने बजाया है, राजा अण्णा आबा साहेब रब कवि उनका नाम था, तो वो बजाया है। और ऑर्गन पे थे केशवराव कुशाबा कांबळे, केशवराव कांबळे ने बजाया। अभी ये थोड़ी देर पहले जो आपने बाल गंधर्वों का सुनाया दिखाया साथ में मीराबाई, और उसके बाद विदुर घर जाए ये सुनाया, तो ये मीराबाई ये गंधर्व नाटक मंडली का आखिरी नाटक, जो हमारे ज्येष्ठ मित्र मैं बोलूंगा, बहुत अच्छे मित्र थे वसंतराव शांताराम देसाई, इन्होंने लिखा हुआ संगीत अमृत सिद्धि, ये नाटक की स्टेज टॉकी की 7 सितंबर 1937 में, और ये जो शूटिंग है हम देख रहे हैं ये है मुंबई का बालीवाला ग्रैंड थिएटर में। तबले पे, हाँ तबले पे तिरकवा भैया है, क्या बजा, वाह 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 बहुत बढ़िया। और जो अभी मुकुंद जी ने बताया तो ऑर्गन, वो दो विंग में दो ऑर्गन और सामने बड़ा 16 स्टॉपर का एक ऑर्गन रहता था, अच्छा, और दो सारंगियां रहती थी और तबला रहता था, माइक्रोफोन नहीं था, तो इसमें से वो लाइन गानी है। मास्टर की खासियत ये थी कभी कभी बाल गंधर्वों को मेकअप करने के लिए बहुत टाइम लगता था, बहुत बार ऐसा होता था, तो इसीलिए नाटक में जो नटी सूत्रधार होते हैं उसमें मास्टर को नटी बनाते थे, क्योंकि नाटक की शुरुआत अच्छी होनी चाहिए। तो मास्टर वो बहुत अच्छा, मतलब गुरु के पास सीखे, उनके गुरु बंधु है, तो वो बहुत अच्छा गाने वाले हैं। तो आप गाना शुरू रखो तो जामदार जो रहता था, धोंडी जामदार जो साड़ी पहनाने वाला बाल गंधर्व को, वो उधर से अंदर से वो बुलावा आता, वो बोलता था कि मास्टर को बोलता था गाना आप लंबाओ, बड़ा करो, बढ़ाओ बढ़ाओ, मतलब लंबा करो, और क्योंकि वहां मेकअप के लिए टाइम हो रहा है, टाइम लगने वाला है। तो वो फिर मास्टर एक एक वैरायटी लेके एक एक, तो ये जो आपने गाना सुनाया विदुर घर जाए, ये भी भजन साध्वी मीराबाई ने ये मैं लिया हुआ है। दोनों की ट्यून जैसे भास्कर बुआ ने अपना शागिर्द कैसा है उसका गला देख के सिखाया, वही मास्टर कृष्णाराव ने किया कि बाल गंधर्व का नारायण राव का गला कैसा है, उसको कौन सा राग सूट हो जाएगा, कौन सी तान, कौन सा क्या कैसा अच्छा लगेगा, ये देख के उनको सिखाया। और बाल गंधर्व मास्टर कृष्णाराव से 10 बरस बड़े थे, फिर भी मास्टर कृष्णाराव गुरु बंधु होके 10 बरस छोटे होके भी उनको गुरु का दर्जा दिया। जो भास्कर बुआ उनके गुरु थे, उसके बाद मास्टर ये गुरु बंधु थे पर गुरु थे। वो उनको गद्दी पे बिठाते थे और बाल गंधर्व चटाई पे नीचे बैठ के वो गाना सीखते थे मास्टर से। और मास्टर की खासियत ये थी, मैंने पहले बताई कि एक पाठी थे, जैसे आया गुरु से वैसे उनके गले से निकल गया, बाल गंधर्व वैसे नहीं थे। वो उनको मतलब मराठी में हम बोलेंगे ठोकुन ठोकुन समझाव लागत होता, मतलब बहुत उनको, जैसे एखादा दागिना जो ज्वेलरी होती है उसको कैसे कलाकुसर करके उसको घड़ाते हैं, वैसे बाल गंधर्व को इन लोगों ने ऐसा किया। गला तो था पर भास्कर बुआ और मास्टर इन्होंने, अच्छा मुकुंद जी ने वो पूछा कि मास्टर को बाद में तालीम, तो भास्कर बुआ के अंत में, भास्कर बुआ जी का अंत आ गया 8 अप्रैल 1922 की, उससे पहले थोड़ा, जब भास्कर बुआ बेडरिडन थे तब बाल गंधर्व और मास्टर उनको मिलने के लिए गए थे, भास्कर बुआ का दर्शन लेने के लिए गए थे कि कैसे है वगैरह वगैरह। तो भास्कर बुआ ने मास्टर को बताया कि तब हुआ ये कि बाल गंधर्व उनके सिरहाने बैठे थे और मास्टर पैरों के इधर बैठे थे, तो भास्कर बुआ ने जैसे आंखें खोली तो सामने मास्टर दिखाई पड़ा। बहुत मतलब प्यार, तो इतना प्यार था क्या बोलूं, अभी आंख में आंसू आते हैं। और
मास्टर को बोले कि दो बातों में, मतलब तू मेरा मन ये रखा हुआ है, माझ मन राखल, ऐसा मराठी में बोला उन्होंने, वचन दिल, वचन दिया कि कभी भी दूसरी जगह जाएगा नहीं। मतलब क्या है, बहुत जो तवायफ रहती थी तब, उनको उनके उनको सिखाने के लिए बहुत गुरु जाते थे ना, तो भास्कर बुआ ने वचन लिया कि ये तू कभी भी माड़ी चढ़ेगा नहीं। अच्छा। और दूसरी बात, और अंत में ये कहा, सोन्याचं शेत लावलेला आहे, गा आणि खा। सोने का ये लगाया हुआ है, खेत लगाया है, गाओ और खाओ। क्या बात है, ये जो बात है, ये बहुत एक ही लाइन है, सब इसमें इसका सार आ गया। मास्टर को दूसरे जगह जाके सीखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जो भास्कर बुआ ने इतना भर भर के दिया है, भास्कर बुआ जी ने इतना दिया है, और उनका दिमाग। और इसमें एक और एक कहूंगा, बाल गंधर्व बोलते थे कि भास्कर बुआ ने मेरा गला और मास्टर का दिमाग एक किया। वाह। माझा गला आणि मास्टरचं डोकं हे भास्कर बुआनी एक केलं। मास्टर ने सिखाया और बालगंधर्व ने गाया। ये जो बात है बहुत बड़ी बात है, और क्या बताऊं। मास्टर पर इसके बाद भी मास्टर ने बहुत सुना, जैसे हैदर खां साहब थे, दौलत खां साहब थे, दौलत खां साहब से द्रुपद भी अच्छे मिले उनको, उनके पास चौकड़े थे, उनके पास क्या नहीं था। अभी चौकड़ा मतलब मैं तो नहीं गा सकता, उनके पास थे। और बहुत बड़े बड़े गायक, बुजुर्ग गायक भी मास्टर का गाना सुनने के लिए भी आते थे। मुझे लगता है विक्रांत जी, विक्रांत जी, चतरंग जैसा होता है, चतरंग जिसमें बंदिश, तराना, सरगम होता है, चौकड़ा में बंदिश होती है, ठुमरी होता है, नाट्यपद होता है, टप्पा होता है, अलग अलग गायन प्रकार, अलग अलग गायन प्रकार एक ही राग में। हाँ, एक ही राग में, एक ही राग। हाँ, ये रसिकों को, ऑडियंस को मालूम होना चाहिए। मैं मुझे ऐसा लगता है विक्रांत जी, हम अभी बीच में थोड़ा पॉज लेके कुछ सुनेंगे। लोग ने तो हमारे पास सुनने के लिए बहुत, थोड़ा फोटोग्राफ्स भी जल्दी से दिखाता हूँ। वही आपको बोलने वाला था, बहुत अच्छे फोटोग्राफ्स है, और इसका डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन चाहे तो मैं बताते जाता हूँ। ठीक है। हाँ ठीक है, दिखाइए दिखाइए। ये मेरे पिताजी पंडित राम मराठे, आदमी चित्रपट में वी शांताराम डायरेक्टर, 8 कप सॉसर्स एक के ऊपर, असली कप सॉसर्स। हाँ। ये देखो वी शांताराम जी उनको रियल सेल दे रहे, मानुष चित्रपट आदमी। हाँ, आगे देखेंगे। ये गोपाल कृष्ण और मानुष, ये दोनों मास्टर कृष्णराव के संगीतबद्ध किए थे, और ये म्यूजिकल ऑपेरा करके लोगों के याद है अभी भी, गोपाल कृष्ण। ये गोपाल कृष्ण का शांता आप्टे और राम मराठे, आगे देखेंगे। ये नहीं, ये आगे जाएंगे, ये नहीं चाहिए। अच्छा ठीक। हाँ, ये है मास्टर कृष्णराव गा रहे, और बाजू में पिताजी मेरे तानपुरे पे बैठे हैं, और ऑडियंस में भोबे नाम के है, तानपुरे पे मेरे पिताजी है पंडित राम मराठे। आगे देखिएगा। दूसरे तानपुरे पे, दूसरे तानपुरे पे सुहास दाता रहे। अच्छा अच्छा अच्छा। सुहास दाता रहे। और मास्टर के लेफ्ट साइड में जो बैठे हैं वो है मनर बर्वे। राइट राइट, मनर बर्वे। और इसकी खासियत ये है, ये मनर बर्वे का जो क्लास था, मनर संगीत विद्यालय, उधर ये फोटो दिया गया है उनके क्लास में, और ये मास्टर के लाइफ की आखिरी महफल है। हाँ, ये आखिरी महफल है दादर की। दादर की। आगे देखिए, ये बहुत अलग फोटोग्राफ है। ये तीनों जैसे गाने वाले अच्छे थे, तीनों खाने वाले भी अच्छे थे, तो वसई में इन तीनों का गाना हुआ था, और दूसरे दिन उनको सिर्फ खाने के लिए बुलाया गया था। तो बीच में नट सम्राट बाल गंधर्व बैठे हैं, राइट में मास्टर कृष्णराव है, और लेफ्ट में मेरे पिताजी पंडित राम मराठे है। तीनों खवैया और गवैया थे, यानी गाने के बाद खाते थे और खाने के बाद फिर गाते थे, ये उनका चक्कर चालू होता था। ये बोलते थे गाने का गला अलग है, खाने का गला अलग है। ये बाल गंधर्व जी है, बाजू में शेरवानी में मास्टर कृष्णराव जी है, और बाजू में मेरे पिताजी है, तबले पर वसंतराव आचरेकर है। अच्छा। जो कुमार जी के साथ बजाते थे वो बजाए है।
ये मेरे पिताजी बीच में बाल गंधर्व और मास्टर कृष्णराव कुछ बंदी शेख के ऊपर चर्चा करते हुए ये फोटोग्राफ है। माहिम माहिम का फोटो है ये। हाँ माहिम का बाल गंधर्व के घर में घर का। ये प्रभात की फेमस तुतारी, इनका एम्ब्लेम प्रभात का लोगो उनका। ये मेरे पिताजी को उन्होंने लेटर लिखा था, हैंड राइटिंग है मास्टर कृष्णराव जी का। मेरे पिताजी को आशीष आशीर्वाद दिए थे, ब्लेसिंग्स। ये उनका हैंड राइटिंग पोस्ट कार्ड पे, पोस्ट कार्ड पे। तभी जमाने में लोग एसएमएस व्हाट्सएप पे नहीं करते थे, पोस्ट कार्ड लिखते थे। बहुत बढ़िया। 1958 शायद समय इसमें दिखा। हाँ। चलिए अभी हम एक और सुनते हैं। हाँ। जरूर जरूर। कृष्ण माता पिता बहिनी बंधु सुनता, बहिनी बंधु सुनता। कृष्ण माता कृष्ण माता कृष्ण माता कृष्ण मारे माता कृष्ण मारे माता कृष्ण माझे मन कृष्ण माझे मन कृष्ण माझे जन कृष्ण माझे जन सोय रात जन सोय रात जन कृष्ण मारा कृष्ण मारा कृष्ण मारा कृष्ण मारे माता वो कृष्ण मारे माता माता कृष्ण मारे कृष्ण मारे कृष्ण मारे माता कृष्ण माता गुरु कृष्ण माता गुरु कृष्ण माता गुरु गुरु कृष्ण माता गुरु कृष्ण माधे तारो कृष्ण माधे तारो उतरी पैल पारो उतरी पैल पारो भवन दीदे भवन दीदे हो भवन दीदे कृष्ण मारे माता माता मारा कृष्ण मारे माता तुकामने माधा श्री कृष्ण विसावा तुकामने हो तुकामने हो तुकामने तुकामने माधा परता जीवा कृष्ण मारे कृष्ण मारे वो कृष्ण मारे माता। मुझे ऐसा लगता है नायडू सर कि जब भी 1974 में ये तो वास्तविक संत तुकाराम का अभंग है, लेकिन जब भी 1974 में मास्टर जी का देहांत हो गया था तो लोगों को यही भावना थी कृष्ण मेरा माता है, कृष्ण मेरा गुरु है, कृष्ण मेरा भाई है। लोगों का इतना उनके साथ रिलेशन था गाने की वजह से कि ऐसा लगता है हमारा घर का है कोई भी, क्योंकि उनके गाने से वो अपनाव करते थे सब लोगों को। तो ये मास्टर की खासियत थी। और एक मास्टर की खासियत देखो, वो जमाने में जो गायक लोग थे, रामकृष्ण बाबू वजे थे, फैयाज खा थे, विनायक बुआ पटवर्धन, नारायण राव व्यास, ऐसे बड़े बड़े हस्ती, मास्टर दीनानाथ, बाल गंधर्व जी, इन सब के आगे महफल जमाने वाला एक नंबर का गवैया था मास्टर कृष्णराव। तो उनकी खासियत ये थी, आम राग भी अच्छे गाते थे, जोड़ राग अनवट राग भी गाते थे। आगे महफल जमाने का उनके पास जो कसब था वो तो एवरग्रीन था। पहला राग, बाद में एक ठुमरी, बाद में एक अखाद अभंग,
बाद में एक नाट्य पद इंटरवल, बाद में मध्यम प्रधान मालकोस, ऐसा कुछ राग उन्होंने और एक राग बनाया था पंचम मालकोस, थोड़ा उसका दिखाता हूं मैं सिर्फ एक मिनट के लिए। यानी मालकोस में पंचम इतना ही उसका नहीं, लेकिन वो पंचम किस प्रकार लगना चाहिए ये उनकी खासियत थी। एकदम आधा मिनट में दिखाता हूं। अभी इधर दीपक करेंगे तो कौशिक आनंद में जाएगा। सागम ज नी द नीप म प ग म रे सा नि जि सा रे सा रे ग रे गा नि रा नि प ग ग म ग सा, उस प्रकार। तो अलग अलग वो राग एक के आगे दिखाते थे, मल्हार के प्रकार, कंस के प्रकार। जैसे पहले हमने देखा कि अडाना गाते थे, उसी प्रकार शाना भी अच्छा गाते थे। तो वो गमत मजे से ऐसे बोलते थे, जिस प्रकार अडानों को मान है उसी प्रकार शाहने को मान है, जिस प्रकार संगीत में कौश को मान है उसी प्रकार नंद को भी मान है। तो ये दोनों राग की जो अलग अलग विशेषता है ये बताते थे। तो अभी हम आगे क्या सुनेंगे? अभी ये देखे नायडू सर, ये जो अभी हमने भीमपलास की बंदी सुनी उसके ऊपर उन्होंने कानोपात्रा नाटक में दो रचना की। एक ये है, देवा धरिले चरण, देवा धरिले चरण, भक्ति सुगति जग मरला, भाव बोल
ruchavi kona shuchavi madhavo mana yethe avghachi samsara sukhachatari na gachi. तो ये अलग उनकी खासियत थी कि एक ही नाटक में अलग प्रकार के दो उन्होंने ऐसी रचना की थी. ये भीमप्लस अभी हमने सुने, यही यही बंदिश के ऊपर अमृत सिद्धि में पद है. गमते सदा पार का वंद्य प्रभु चा पदा पूजी जगती होत धन्य गमते सदा मदला. ये गाना किया था इसके ऊपर. बहुत अच्छा. और मेरा भाग्य ये है कि मास्टर कृष्णराव, मैं उनको गुरु भी मानता हूँ और मेरे वो परात्पर गुरु भी है. उनकी बेटी, उनकी कन्या वीणा चिटको, इनके पास मैं गंडा बंधन करके सीखा और वो दिन था मास्टर कृष्णराव की पुण्यतिथि. 1997 की बात है ये, तब सीखा था. और दूसरी बात ये है कि उनको जिन्होंने संगीत कला निधि ये उपाधि दी और जिनको जो मास्टर दीनानाथ राव थे उनको संगीत रत्न ये उपाधि दी जिन्होंने, और उन्होंने ही मेरे परदादा ग्रेट ग्रैंडफादर को महाराष्ट्र भाषा भूषण जगन्नाथ रघुनाथ अजगावकर, ये महाराष्ट्र भाषा भूषण ये कुर्तकोटी डॉक्टर कुर्तकोटी शंकराचार्य इन्होंने ही पद्धति दी तीनों को वो. और इनकी एक और एक बात बताता हूँ कि जो नाटक हुए गंधर्व नाटक मंडली के, उसके बाद भी उन्होंने कुछ जैसे थोड़ी से कर्ण कोने के काली कुलवधु ये नाटक किया. तो वैसे ही मेरे परदादा ने संगीत संत श्रेष्ठ तुकाराम करके नाटक लिखा था और वो बाल गंधर्व ने उनसे लिखवाया था. उसका हस्तलिखित भी मेरे पास नहीं है, वो बालगंधर्व को दे दिया. तो तब मास्टर कृष्णराव, बालगंधर्व जी और मेरे गुरु, मैं उनको दादा बोलता हूँ, शरद डॉक्टर शरद चंद्र विष्णु गोखले, ये तीनों हमारे घर पे शिवाजी पार्क के घर पे आए थे और उसकी जो ट्यून्स थी जो संगीत कर रहे थे वो मास्टर कर रहे थे तुकाराम करके नाटक. हाँ क्या हुआ? नहीं नहीं बोलिए बोलिए. हाँ, तो ये नाटक था और इसका कहीं उल्लेख नहीं है कि ऐसा नाटक बना, क्योंकि वो बाद में आया ही नहीं, हुआ ही नहीं. पर ये देखिए, मास्टर जी की खासियत ये है कि ऐसा एक ही गवैया ऐसा है कि जो जिनको पंडित ये उपाधि दी नहीं गई और वो लगेगी भी नहीं, क्योंकि वो संगीत कला निधि है. ये खासियत है संगीत कला और निधि, ये बहुत बड़ा समुद्र है. और जो ऐसा आदमी जो क्लासिकल भी गाते हैं, नाटक में रात को काम करेंगे, सुबह दोपहर को क्लासिकल का प्रोग्राम करेंगे, फिर वापस नाटक में काम करेंगे, उसके बाद उन्होंने भक्ति संगीत जो है उसको अलग दिशा दी. ये जो हम आजकल के भाषा में संतवाणी कहते हैं, संतवाणी आजकल वो बाद में शुरू हो गया संतवाणी, पहले बालगंधर्व गाते थे वो. हाँ. मास्टर कृष्णराव, और मास्टर कृष्णराव के कारण बालगंधर्व को भक्ति मार्ग ये दिखाई दिया, क्योंकि कानोपत्रा ये जो संगीत दिया है उन्होंने एकदम अलग दिया. दूसरी खासियत देखिए, हाँ ये एक बात हो गई, इसमें फिल्म में भी म्यूजिक दिया. फिल्म के म्यूजिक जो है वो अलग है, मतलब ऐसा लगता ही नहीं है कि ये संगीत दिग्दर्शक म्यूजिक डायरेक्टर ऐसा होगा जो फीमेल रोल भी करता होगा या क्लासिकल भी गाया होगा और जिसके पास बालगंधर्व ने भी संथा ली है. अलग है, पूरा स्टाइल ही अलग है. जैसे बाद में लता मंगेशकर जी ने भी गाया है धुंद मधुमती, विक्रांत जी, वो विक्रांत जी में गाया. एक बात बताना चाहता हूँ, प्रभात मूवी में उन्होंने जो शेजारी यानी पड़ोसी, इसमें लख लख चंदेरी जो फेमस गाना है, लख लख चंदेरी, उसका जो कंपोजिशन और अरेंजिंग, क्योंकि तभी के जमाने में 1935-40 में अरेंजर ये आदमी मौजूद नहीं होता था, ये डेसिग्नेशन ही नहीं था. अरेंजिंग, बैकग्राउंड स्कोर,
म्यूजिक डायरेक्शन एवरी रिगार्डिंग म्यूजिक हैज टू डू बाय म्यूजिक डायरेक्टर ओनली एंड इट शुड बी लाइव म्यूजिक. तो ये अरेंजमेंट ये गानों का जो बनाया है आगे हम धुंधामति मधुमति भी सुनने वाले उसमें हवाई गिटार इस्तेमाल किया है तो उनकी कमाल की बात है. यानी सुधीर फड़के बाबूजी उनको तो गुरु मानते थे संगीत संगीत क्षेत्र में. पुल देशपांडे उन्होंने कुछ गाने गाए हैं, एक बाईया पावसान ऐसा मराठी में गाना है. ये गाना सुन के आपको ऐसा लगेगा ये कृष्णा मास्टर का ही गाना है क्योंकि उनका मास्टर कृष्णा का अनुकरण फॉलोअर्स बहुत थे. उनके जैसा आवाज लगाएंगे तो लोगों को हमारा गाना पसंद आएगा ऐसी उनके मन में रुचि थी और इस प्रकार वो गाते रहते थे अलग अलग लोग. और बहुत संगीतकार नौशाद अली से गुलाम अली मदन मोहन सब संगीतकार मास्टर जी को मानते थे कि कम से कम स्वरों में शंकर जय किशन. शंकर जय किशन तो आपको किस्सा बताया कि राज कपूर को जय शंकर जय किशन नहीं मिलते थे. मास्टर जी के पास कम से कम 100 के ऊपर भैरवी थी कंपोजिशन. तो शंकर जय किशन को सब मूवी में चाहिए तो जैसे सन्यासी चित्रपट में राज कपूर के एक सन्यासी चित्रपट है राज कपूर का नहीं दूसरे किसी का उसमें सब भैरवी के गाने हैं. तो मास्टर ऐसे दे सकते थे सभी रागों में सभी चित्रपटों में भैरवी जैसे ट्यून्स. तो ये सब संगीतकारों के भी गुरु थे. आगे जाएंगे हम. हाँ हम सुनते हैं अभी उनका कुछ भजन है. नहीं वो अभी उनके फिल्म्स के ऊपर हम सुनेंगे. अच्छा जरूर. Thank you.
इनकी एक खासियत थी मास्टर जी की, अभी ये गाने में देखी है हवाई गिटार, आप बहुत अच्छा हवाई गिटार बजाते हैं, ये अभी किसने बनाए मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये राजकमल जी फिल्म का वी शांतारम का मूवी है किचकवध, और उसमें उनके मास्टर कृष्णाराव के असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर थे वसंत देसाई, और इसीलिए उन गाने में जो वसंत देसाई का ठेका है वो इसमें इस्तेमाल किया है। देखो ये इसमें मालूम पड़ता है कि वसंत देसाई उनके साथ थे और इसका एप्रिसिएशन करके उन्होंने ठेका वो इस्तेमाल किया, तो उनके पास ये एप्रिसिएशन भी थी। और उनकी एक खासियत मैं बताना चाहता हूँ, कुछ ऐसे धुने वो बना देते थे यमन में भीमपलास में, और बाद में उनको लगता था ये धुन बहुत अच्छी बनी है, तो धुन के ऊपर उल्टा वो बंदिश बनाते थे। जिस प्रकार एक उनका एक गाना है दे मज देवा जन्म हा, यमन में है, ज्योत्सना भोले का रिकॉर्ड है, उसके ऊपर उन्होंने एक यमन में बंदिश बनाई है, वो भी उसी प्रकार की है, तो ऐसा उल्टा प्रकार भी वो करते थे कि धुन अच्छी लगेगी तो बंदिश बना देते थे। विक्रांत जी, और एक फिल्म है कौन सा? मन पापी भूला भूला कौन इसे समझाए, हा मन क्या होता है तुझे, मन पापी भूला भूला का साथी दुख संकट में कभी काम ना आए, जिसको तूने जग में दिलाया जिसको तूने जग में दिलाया वही तुझको जलाए वही तुझको जलाए, हाँ मन न होगा मीठा कड़वा फल, शहद शक्कर से मिलक न होगा मीठा कड़वा फल, तन धोएगा मन को कैसे धोए गंगा जल, जी है साथ लगा है जी के हंसना रोना, जब तक जी है साथ लगा है जी के हंसना रोना, कस के कसौटी कहती है कस के कसौटी कहती है ये पीतल है ये सोना, ये पीतल है ये सोना, ये पीतल है ये सोना, जब तक तन में सांस रहेगी तब तक जगती याद, तब तक जगती याद, यही कबीरा कह गया यही कबीरा वाह। इसमें देखिए थोड़ा फोक टच दिया था थोड़ा, उसमें एक तारी भी है एक तारा है, और इसके साथ ढोलक कच्चे ढोलक का बहुत अच्छा इस्तेमाल गाने में किया था, और भूप पहाड़ी और इसमें मध्यम का भी इस्तेमाल किया था, वो मध्यम से सारे गा पद सद प म ग रे सा ढ सा इस प्रकार से उन्होंने किया है कंपोजिशन, वो मध्यम इतना अच्छा लगाया है, तो इनकी ये खासियत थी।
राजदारी के ऊपर करने का, लेकिन जब भी मध्यम उनको बुलाता है मध्यम को अंदर ले लेते थे वो उधर उनको अटकावने होता था कि भूख में ये चलेगा या नहीं, लेकिन वो मध्यम से मजा आ गया वो दूध में। आगे क्या क्लोजिंग रिमार्क्स कहना चाहेंगे, काफी समय हो चुका है कुछ एक्चुअली ये मास्टर कृष्णा जी के कंपोजिशन इतने हैं कि पूरा पूरा जैसे भागवत सप्ताह करते हैं उसी प्रकार मास्टर कृष्णराव आठ डेली आठ घंटा ऐसा सप्ताह करना चाहिए क्योंकि इतने इतने थाउजेंड्स है कंपोजिशंस हो सकते हैं उनके, बंदिश और कंपोजिशंस अलग अलग, और हर एक कंपोजिशंस एक खासियत है, इसके ऊपर संगीतकार भी बता सकते हैं उनके बारे में लोगों को ज्यादातर मालूम हो, और हमारी कोशिश रहेगी। नहीं आप अच्छा बहुत ये कर रहे हैं, लोगों को कम से कम ये जो भूले गए संगीतकार है गायक है उन तक पहुंचते हैं और उनको ज्यादा अध्ययन करते हैं। मुझे कहने में अच्छा लग रहा है कि मास्टर कृष्णराव के गायकी के ऊपर लगभग 10-15 लोगों ने डॉक्टरेट की है और अभी भी कुछ लोग उनके गायकी के ऊपर डॉक्टरेट कर रहे हैं। उसका अलग अलग विद्यापीठों में अध्ययन होता है संगीतों संगीतकारों के बारे में, उनके गायकी के बारे में, यही उनकी उनका बहुत सम्मान है ऐसे हम कह सकते हैं। विक्रम जी उन्होंने तो मास्टर कृष्णराव जी ने, आपने तो अभी ये जो आज प्रोग्राम किया है वो मतलब जैसे वो दिन मैं याद रखता हूँ वैसा आज का ये दिन है, ये भूल नहीं सकता कि ये बहुत बड़ा ट्रिब्यूट है आपने जो दिया है हमको बुला के। और जैसे प्रोजेक्टर फिल्म जाती है उसमें से एक 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 फ्रेम जाती है ना, वैसे वैसे वो सब दिन अभी भी सामने आ रहे हैं मेरे आंखों के सामने कि कैसे। और एक बताना चाहता हूँ, स्वातंत्र वीर सावरकर जी के जैसे उसको उन्होंने गाने किए थे उसके कंपोजिशंस के थे, उसके साथ साथ महात्मा गांधी के लिए उन्होंने अहमदाबाद में जाके आश्रम में गाने बनाए थे, गांधी जी के कुछ भजन बनाए थे, कंपोजिशन किए थे, संपूर्ण वंदे मातरम, ये पूरे पांच अंतरों का वंदे मातरम वो पूरा गाना महफल के अंत में गाते थे। और यही परंपरा मेरे पिताजी पंडित राम मराठे ने रखी थी, महफल के अंत में खड़े होके वो दोनों संपूर्ण वंदे मातरम गाते थे, ये उनकी राष्ट्रभक्ति भी थी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और उन्होंने जैसे बंदिशें तो बहुत बनाई हैं, बहुत अलग अलग राग उन्होंने एक करके दिए हैं, जैसे तिलक केदार आपने सुनाया था शुरू में, वैसे हिंडोल केदार था, हिंडोल केदार था, बाद में एक सोहनी भटियार भी था, पहले सीखने के लिए मास्टर के पास गए थे, उनकी इच्छा थी मास्टर के पास सीखे क्योंकि वो सवाई गंधर्व के भी गुरु के साथ उनका ताल्लुक होता था, रामभाऊ कुंदोळ गोरगाव के था, तो इसलिए उनकी इच्छा थी, लेकिन वो रिलेशन बन नहीं पाया, लेकिन मास्टर को बहुत भीमसेन बुआ मानते थे। और बढ़िया बढ़िया उन्होंने सोहनी भटियार किया था, एक तो बंदिश अभी एकदम याद आ गई तो थोड़ा सुनाता हूँ, वो कहाँ किस किधर गई मुझे मालूम नहीं पर ट्यून ऐसी है। बन बन मधुबन देखत बन बन मधुबन देखत है, बन बन मधुबन देखत है, बन बन मधुबन देखत है, कहाँ छुपे हो नंदलाला, कहाँ छुपे हो नंदलाला, वही बावरे राधा बाला, बन बन मधुबन देखत है, बन बन मधुबन देखत। ऐसे ही एक बंदिश उनका जो पोता है मंदा, जो वीणाताई का बेटा है, उनका सगा पोता, उसको सामने रख के वो बैठा था और उसके ऊपर एक बंदिश बनाई आज। अच्छा। उसका भी नाम लेना पड़ेगा, सावरिया मोरे घर आए, सावरिया मोरे घर आए,
ये घर तेरा नाही मेरा, ये घर तेरा नाही मेरा, मधुर मुरली की तान सुनाए मोरे घर आए। अंतरा बहुत दिन में मिले परदेश अपना आए। वैसे ही एक पद मास्टर क्या करते थे, एक ही नाट्य पद को दो दो तीन तीन ट्यून्स बना के रखते थे। ऐसा संगीत दिग्दर्शक मैंने देखा नहीं। जैसे भास्कर बुआ जी ने द्रौपदी नाटक में थरला जणू मत्सर राजा ये पद बागेश्वर में दिया। थरला जणू मत्सर राजा, थरला जणू मत्सर राजा, वृद्ध तरुण बाधित पूजा, थरला जणू मत्सर। इसको मास्टर मास्टर कृष्णाराव जी ने अलग ट्यून बनाई, वो यमन में बनाया था। थरला जणु मत्सर राजा, वृद्ध तरुण बांधित पूजा, थरला जणु मत्सर राजा राजा, होत सहज सुख तरुणपणा, वृद्ध दशा सोडी सुख निदा, सह्य परिच मन विभव मनादा, हाहि नियम ऐसा बना ये अभी बाहर गाई मैंने आपके सामने, अभी कला ठीक नहीं है, पर ऐसे ही है, इन्होंने एक एक अलग अलग बनाए थे, अलग अलग। वैसे और पिताजी को मैंने पूछा था मास्टर कृष्णा इतने कंपोजिशन बनाते थे, हाथ में हारमोनियम बाजा लेते थे क्या? नहीं नहीं, जैसे वो देखते थे गाना उनका धुन अंदर बन जाता था और वो सिखाना ही शुरू करते थे डायरेक्टली। उनका कंपोजिशन देख के और अर्थ निकाल के हाथ में हारमोनियम लेने की उनको जरूरत नहीं पड़ती थी, तो यही उनकी खासियत थी। जैसे समाज में भी वी शांतराम जी ने उनको बताया था कि ये गाना अलग चाहिए, ये गाना अलग चाहिए, ठीक है आपको बताता हूँ, ऐसे करके बस। अच्छा ये डडा 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 करके वो डडा डडा की भाषा में बोलते थे। अच्छा ये अच्छा लगा, नहीं दूसरा बताता हूँ, ऐसा इतना स्पोंटेनियस था, बाप रे बाप, ऐसा कभी सुना नहीं ना, ये नहीं होगा भी नहीं ऐसे कभी। तो संगीत कला निधि कृष्णराव उनके ऊपर आप ये आज प्रोग्राम आपने किया, बहुत मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मुकुंद जी और विक्रांत जी, आप दोनों का मैं काफी आभारी हूँ कि इतने बड़े हस्ती मास्टर कृष्णाराव जी को याद करने के लिए आपने अपना अमूल्य समय निकाला, और हमें उम्मीद है कि आगे भी हम ऐसा कुछ उनको याद करते रहे और लोगों तक पहुंचाते रहे ये चीज। और इसके साथ ही मैं आप सभी को काफी धन्यवाद देता हूँ। मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि हाँ। एक तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ, और हाँ। आगे जो जो प्रोजेक्ट आपके रहेंगे ये हमें बताते जाइए, हम जरूर आप ऑडियंस जैसे मिलते रहेंगे। और मास्टर कृष्णराव का जो अध्ययन करना है, यानी भगवत हाँ। गीता का ही अध्ययन करने जैसा है क्योंकि वो भी कृष्ण है और गीता उन्होंने बताई थी, तो गीता जैसे अध्ययन करना, मास्टर कृष्णराव का गाने का अध्ययन करने जैसा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। अब उनका एक गीत सुनते हुए हम इस प्रोग्राम अलविदा करते हैं। नमस्कार।
जो पिया तोड़ो पिया में नहीं तोड़ो रे, जो पिया तोड़ो पिया में नहीं तोड़ो, तोरी प्रीत तोड़ो काना कौन संग जोड़ो, तोरी प्रीत तोड़ो काना कौन संग जोड़ो रे, जो पिया तोड़ो पिया में नहीं तोड़ो रे, जो पिया तोड़ो पिया में नहीं तोड़ो, तुम भरे दरोबर मैं भई मचिया, तुम भरे सरोवर मैं भई मचिया, तुम भरे सरोवर मैं भई मचिया, तुम भरे मोती तुम भरे मोती मैं भरे धागा, जो पिया तोड़ पिया में नहीं तोड़ रे, जो पिया तोड़ पिया में नहीं तोड़ हाँ, जो पिया तोड़ पिया में नहीं तोड़, अरे जो पिया तोड़ पिया में नहीं तोड़ो, तोरी प्रीत तोड़ काना कोन तंगे जोड़ू जोड़ू जोड़ू, जो पिया तोड़ पिया में नहीं तोड़ रे, जो पिया तोड़ पिया में नहीं तोड़ रे, जो पिया तोड़ पिया में नहीं तोड़ आ, जो पिया 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 तोड़ो पिया में नहीं तोड़ो, मेरा कहे प्रभु तुम प्रिजवाती, मेरा कहे प्रभु तुम प्रिजवाती, तुम भज ठाकुर तुम भज ठाकुर तुम भज ठाकुर मैं भज दाती, तुम भज ठाकुर मैं भज दाती रे, जो पिया तोड़ो पिया में नहीं तोड़ो रे, जो पिया तोड़ो पिया में नहीं तोड़ो, तोड़ प्रीत तोड़ो जो पिया तोड़ पिया में नहीं तोड़ो रे, तोरी प्रीत तोड़ो कृष्णा कौन संग जोड़ो रे, जो पिया तोड़ो पिया में नहीं तोड़ो।